हेलो एवरीवन। तो ये जो ये चैलेंज मैं बहुत दिन से करने का सोच रही थी पर हो नहीं पा रहा था, तो कल सोचा कल कर लेते हैं। 2 दिन का है तो इसमें क्या होगा ना, हम 11th 12th पूरा फुल सिलेबस बायो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाँ थोड़ा सा वैसा है, पॉसिबल इतना नहीं है, बट ट्राई करेंगे कि पूरा 2 दिन में हो सके, क्योंकि नीट में भी यही हालत होने वाला है कि 2 दिन में ही कंप्लीट करनी पड़ेगी 11th 12th। तो कल ऐसा ट्राई करेंगे। और उसमें क्या होगा ना, हाँ मेन चीज़ जो बताना था कि इसमें ये होगा कि जैसे जो कर लेगा ना, एक चैलेंज एक टॉपिक दे देंगे, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग के स्लॉट में एनाटमी पढ़नी है, एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो करना है, तो वो सब करेंगे और जिसका सबसे पहले होगा वो डन कह देगा। तो इसी में ये चीज़ रहेगा कि हाँ एक कंपटीशन वाली भावना रहेगी, बीच में कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कि पढ़ते पढ़ते बोर होने लग गए सोचा है एक बाद में करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें यही होगा कि नहीं वो भी कर लेगा ये भी कर लेगा मैं ही रह जाऊँगा, तो वैसा वाला चीज़ के कारण मज़ा आएगा। और जितने लोग होंगे उतना ही मज़ा आएगा। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो मतलब पहले ही डन कह देंगे करने से पहले ही, या किए भी नहीं होंगे फिर भी डन कह देंगे। तो मैं इतना ही कहूँगी, फेंको तो इतना फेंको कि लपेटे में आ जाए इतना। तो फिर जो कर रहा होगा ना वो पहले लिख देना कि हाँ स्टार्ट लिख देना, फिर उसके बाद जब हो जाएगा तो डन कह देना, कि ताकि पता चले कि हाँ कौन कौन था और कौन कौन रियलिटी में कह रहा है कि हाँ मेरा हो गया। और अभी स्ट्रीम की टाइम मैंने चेंज कर दी, पहले मैं 5:45 से स्टार्ट करती थी, अब 7:30 से हो गया। उसके पीछे का रीज़न था इसलिए कर दिया, जिसमें मेरे को नींद आती थी बेसिकली सुबह सुबह, 2-3 दिन से नींद आ रही थी क्योंकि रात में लेट सोना हो रहा था। तो मुझे लगा कि यार पढ़ाई करनी है तो ढंग से पढ़ाई करते हैं। तो सुबह के स्लॉट में मतलब कि मैंने लॉन्ग ब्रेक को शिफ्ट करके पहले कर दिया, अब बाद में कोई लॉन्ग ब्रेक नहीं है। और ऑल द बेस्ट सभी को, आ जाना टेलीग्राम पे मैंने बताया था, और ऐसे बहुत अच्छा रहेगा ऐसे करेंगे तो। बाय बाय बाय, और नहीं टाइम कंज्यूम करूँगी।